दिलजीत और परिणीति चोपड़ा की अमर सिंह चमकेला मूवी आ चुकी है जो कि नेटफ्लिक्स पर है और वो भी एक बायोपिक है अमर सिंह चमकेला के ऊपर ही। इस फिल्म के अंदर हम लोगों को पंजाबी सिंगर की जिंदगी के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि पंजाब में कैसे 27 साल की उम्र में ही पंजाब के सिंगर को मार दिया गया था और ये कैसे हम लोगों को बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला जैसा लगता है, जहां पर उनको भी बहुत जल्दी मार दिया गया था। और ऐसे बहुत सारे केसेस है पंजाब में जहां पर ऐसी हत्याएं होती रहती है। अमर सिंह चमकेला को क्यों मारा गया और आखिर में उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, यही हम लोगों को इम्तियाज अली ने ये मूवी के अंदर बताया गया है। तो चलिए बात करते हैं अमर सिंह चमकेला के मूवी के बारे में। तो हम लोग अगर ये मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी जो है वो अमर सिंह चमकेला की कहानी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो एक दलित व्यक्ति है और उन्हें सिंगर बनना है। उन्हें लोग बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करते थे लेकिन उनके अंदर टैलेंट इतना था कि वो कितना भी लोग दबाए वो टैलेंट उभर के आ ही जाता था। वो आखिरकार सिंगर बन जाता है और उनके गाने बहुत लोगों को पसंद आता है, जिसके अंदर वो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करता है। इस वजह से वो ऐसे गाने भी बनाना शुरू कर देता है जहां पर उनके गाने बहुत ज्यादा सुपरहिट होने चालू हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर समाज का एक बड़ा हिस्सा दुश्मन भी बन रहा था, जिन्हें लग रहा था बस अमर सिंह चमकीला को बर्बाद ही करना है। और उन लोगों को ऐसा लगता था कि पंजाब के युवाओं को ये दूसरी तरफ ले जा रहा है। इसलिए फिर अमर सिंह चमकीला जब फेमस बन जाता है और ऐसे गाना बनाना बंद नहीं करते तो उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है। जब वो ऐसे धमकियों से भी नहीं डरते तब उनकी दूसरी पत्नी जो है जिसका नाम है समित, उनको मार दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आप लोगों को अमर सिंह चमकीला मूवी देखनी होगी, वो भी नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी को इम्तियाज अली ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। अगर आप लोग ये मूवी देखते हो तो ये मूवी में रियल फुटेज भी दिखाई गई है, जहां पर हम लोगों को रियल फुटेज के तौर पर बताया गया है कि उनके कॉन्सर्ट कैसे होते थे। डिजाइन के तौर पर यहाँ पर इम्तियाज अली ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि जैसा बैकग्राउंड उस वक्त रहता था वैसा ही यहाँ पर रिक्रिएट करने की कोशिश की है और वो भी बहुत कमाल का है। छोटी से छोटी डिटेल के ऊपर भी यहाँ पर इम्तियाज अली ने काम किया है, जिस वजह से हम लोगों की मूवी के अंदर सब कुछ अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ हम लोगों को अमर सिंह चमकीला की आइडियोलॉजी के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोगों को इम्तियाज अली बताने की कोशिश करते हैं। और जब उनके गानों में उनको बैकलैश मिलती थी तो वो क्या सोचते थे, वैसे ही हम लोगों को कुछ ट्रेलर में दिखाया गया था उनके इंटरव्यू के बारे में भी, जहां पर उन्हें सवाल पूछा गया था और उन्होंने जवाब दिया था कि लोग मेरे गाने को पसंद करता है। और उन्होंने ऐसा भी बोला था कि ऐसे में सिंगर की गलती नहीं है कि लोग अगर ऐसे गाने सुनना पसंद करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों की है जो ऐसा गाना सुनना पसंद करते हैं। अगर लोग ऐसा गाना सुनना बंद कर दे तो सिंगर भी जो है वो अश्लील गाना बनाना बंद कर देगा। इस मूवी के अंदर सबसे बेहतरीन चीज मुझे लगी है इसका म्यूजिक। यहाँ पर म्यूजिक दिया है ए आर रहमान ने। ए आर रहमान ने इस फिल्म के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक के कंपोजर भी है और उन्होंने अपना बहुत ही बेहतरीन काम किया है। अगर आप लोगों ने इम्तियाज अली की रॉकस्टार मूवी देखी थी तो उनके गाने बहुत ही बढ़िया थे और वैसे ही अमर सिंह चमकीला के सारे गाने हिट होने वाले हैं, ऐसे मुझे फील आ रही है। बस एक दो गाने ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, वो शायद आप लोगों को पसंद आए कि नहीं वो आपके ऊपर है। यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है, छोटी से छोटी बात यहाँ पर, छोटी से छोटी डिटेल्स यहाँ पर अच्छे से दिखाई गई है हम लोगों को। और दिलजीत और परिणीति चोपड़ा दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग बढ़िया तरीके से की है। कास्ट जो है वो सभी ने कमाल का काम करके दिखाया है, इसलिए मैं उसमें तो कोई शिकायत नहीं करूंगा। ये कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म है और अगर ये फिल्म को थिएटर में रिलीज करते तो एक मास फिल्म हो सकती थी, लेकिन ठीक है नेटफ्लिक्स पर रिलीज की है, अच्छी है, आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ओवरऑल इस फिल्म को देना चाहूंगा 5 में से 4.5 स्टार। तो चलो यार, ये थे मेरा आज का रिव्यू अमर सिंह चमकीला मूवी के ऊपर जो कि स्ट्रीम कर रही है नेटफ्लिक्स पर। आप लोगों ने मूवी देखी है या फिर नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।